जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की क्लास में हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसके भीतर देख रहे थे पहला टॉपिक हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। और मैंने कहा था ट्रेडिंग का एक कुछ फॉर्मेट होता है जो आपको ये दिमाग में सेटअप कर लेना है, उसके बिहा पे क्वेश्चन करना है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया था, याद है कि फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट यही होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज में रिटर्न। समझ आ रही बात ना? फॉर्मेट आपके सामने है, नोट्स अंदर रख लीजिए बैग में, आप लोग बैग में डालिए नोट्स। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड बैग। अरे यार बंद करिए। और फॉर्मेट तो तरीका पता ही आप लोग, फॉर्मेट का याद है, फॉर्मेट का तरीका ना, इधर क्या क्या आएगा, आ जाइए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंस। इधर क्या आएगा, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गई बात ना? तो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप लोग करना है। चलिए करके दिखाइए, तो एक क्वेश्चन नोट करिए, कॉपी में करके दिखाइए। ये वाला क्या हुआ? कोई बात नहीं है, ऊपर वाला जो फॉर्मेट याद है ना, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू परचेज रिटर्न, बड़े भी है। आपको याद ही है, फटाक से कुछ करके दिखाइए। तो बाहर है, तो बाहर पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट करेंगे तभी तो आएगा।
फॉर्मेट कैसे, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका, और इसका फॉर्मेट कैसा है ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये सब क्या है आपका, एक क्वेश्चन है और फॉर्मेट कैसा है, ऊपर देखिए ये फॉर्मेट है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट किधर रहेगा, ओपनिंग स्टॉक किधर रहेगा, सेल्स किधर, परचेज किधर, परचेज रिटर्न किधर, सेल्स रिटर्न किधर, क्लोजिंग स्टॉक किधर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब बता दिया है मैंने कल की क्लास में, क्वेश्चन सामने है, करना स्टार्ट करिए। भाई तो एक अलग ही लेवल पे चलते हैं तुम तो। चलिए बताओ तुम्हारे क्या Thank you.
देखिएगा हाँ, क्या हुआ? हो गया? ठीक क्या हुआ होगा? चलिए अब ध्यान दीजिए, छोड़िए सब, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने, कुछ था नहीं क्वेश्चन में ऐसा। विंडो आर, मैंने नोट पैड ओपन कर लिया। सबसे पहले तो ये कि हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। फॉर्मेट सिंपल सा फॉर्मेट है क्या, बड़ा सा एक को पहले क्या होगा, पार्टिकुलर। हाँ क्या कमाओ, बस उसके बाद फिर से क्या है, पार्टिकुलर पूरा लिख लीजिएगा, और अमाउंट, बस हो गया, ये हमारा हो गया, पूरा बन गया, ये फॉर्मेट है, और यहाँ पे अमाउंट, ये फॉर्मेट हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड है, और ये आपका क्या है, डेबिट है। जाहिर सी बात है, इधर जो भी चीज लिखेंगे टू लगा के लिखेंगे, और इधर जो लिखेंगे उधर क्या लिखेंगे, बाय लगा के लिखेंगे, कॉमन सी बात है। तो सबसे पहले दिया है, लिखा जाता है इसमें टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस कितना दिया हुआ था, अमाउंट में सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 15,000। अच्छा, और ओपनिंग स्टॉक के नीचे जस्ट क्या लगता है, टू परचेज, टू परचेज, तो परचेज लिखे। अब परचेज का बैलेंस क्या, परचेज बैलेंस में लिख देंगे यहाँ पे, नहीं ये देखेंगे कि क्वेश्चन में रिटर्न तो नहीं दिया है, तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन में रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में रिटर्न दिया है, रिटर्न शब्द का यूज किया गया है, कितना परचेज तो है 80,000 का, और परचेज रिटर्न हुआ है 5,000 का, यानी एक्चुअल में परचेज कितने का हुआ, 75,000 का हुआ है। चलिए वापस से, यानी कि परचेज हुआ है, यहाँ लिख देंगे यहाँ पे साइड में, यहाँ पे 80,000 और टू लेस रिटर्न कितना, 5,000। अब अमाउंट भी लिख देंगे, सॉरी 5,000, अब अमाउंट भी लिख देंगे सीधा सीधा, कितना, 75,000। क्यों लिखे 75, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बस अब ये छोड़ दीजिए, बाद में इधर करिएगा, अभी इधर आ जाइए सेल्स साइड में। चलिए सेल्स के साइड में देखा जाए, सेल्स कितने का दिया है, अगर जो भी सेल्स दिया होता तो 22 सेल्स लिख के अमाउंट लिख देते बैलेंस में, यहाँ पे लिख देते अमाउंट, लेकिन देखिए क्वेश्चन में रिटर्न भी दिया होगा, इसलिए बाई लेस करेंगे, बाई सेल्स रिटर्न, क्या सेल्स रिटर्न कितना अमाउंट लेंगे यहाँ पे सेल्स में, 1,25,000। यहाँ देखिए कहाँ लिख रहे हैं 1,25,000, अमाउंट में नहीं लिख रहे हैं, उसी के बगल में लिख रहे हैं, और वापस कितना हुआ है, 8,000, रिटर्न भी लिख दिया यहाँ पे 8,000। अब बैलेंस में लिखेंगे कितना, 1,17,000, अब सही हुआ। अब एक और चीज इधर लिखते हैं क्या, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखते हैं,
क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया है? 12,000। सीधा सीधा इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, 12 लिख दीजिए, हो गया। अब जो भी उसके अलावा बचा वो सब क्या है? टू डायरेक्ट एक्सपेंस है सब। उसके बाद जो बचा वो क्या है? टू डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा काउंट के लिए क्या क्या बचा है? फ्यूल है, एक्सट्राई है, प्रीमाइज रेंट है, पैकिंग मटेरियल है, वेजेस है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है, सब क्या है? एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सबको जोड़ लीजिए, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,000। टोटल अमाउंट आ गया आपका 20,000 रुपया। तो 20,000 डालिए। अब अमाउंट जोड़ा, सब हो गया, सारा कहानी खत्म। अब अमाउंट जोड़ा जाए तो इधर आ रहा है 1,17,000, 12,000, 1,29,000, और इधर जोड़िए 75, 15, 90 और 2, 110। तो ये बताइए 1,10,000 बढ़ा है कि 1,29,000 बढ़ा है? तो दोनों साइड में क्या लिख देंगे? 1,29,000 यहाँ भी लिख देंगे और 1,29,000 यहाँ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब बताइए, लेकिन सच्चाई में अगर देखा जाए तो इधर 1,29,000 तो आ रहा है, लेकिन क्या 1,29,000 इधर आ रहा है? नहीं, इधर 1,10,000 आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? यही 19,000 लिख देंगे यहाँ पे। ये 19,000 अंतर किधर आया? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, डेबिट साइड अंतर आता तो लिख दिया जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख दिया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और यही अंतर इधर आया होता तो बाई ग्रॉस लॉस लिख देते, लेकिन लॉस हुआ नहीं, बिजनेस में एक ही चीज होगा, लाभ या हानि। हो गया, अब आंसर सही आ गया। कितना आंसर आएगा? 19,000 का प्रॉफिट। टोटल अमाउंट कितना आएगा? 1,29,000। अब सही हो गया। अब बताइए क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में था ही क्या? देख लीजिए एक बार, मैच कराइए, करिए आप लोग भी। आसान ही नहीं आसान है? हाँ बताओ, बताओ हो गया? एक क्वेश्चन दे दो, करेंगे आप लोग? हाँ नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद से करना स्टार्ट करिए अगला। टू ग्रॉस प्रॉफिट वो तो आया है, जब आया है जब इधर अंतर आएगा उधर लिखेंगे, इधर आया अंतर तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, उधर आएगा तो बाई ग्रॉस लॉस। प्रदीप क्या है, कुछ है? हाँ हमसे पूछो ना, हमसे पूछो। बाई सेल्स रिटर्न है, हाँ वही सेल्स रिटर्न। नहीं अरे फॉर्मेट में नहीं देखे थे, फॉर्मेट देखो तो। क्या फॉर्मेट था?
क्या लिखा, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं लिखा, रिटर्न सिर्फ लिखा है, वही सेल्स रिटर्न की बात हो रही है। हो गया सबका, हो गया संजीव, हो गया ना, अब बोल रहे हैं कर लोगे ना। ठीक है, चलिए चलिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। आप लोग जानते हैं ना क्वेश्चन तरीका क्या होगा, क्वेश्चन लिखने का तरीका सिर्फ यही होगा, पार्टिकुलर और अमाउंट, और सॉल्यूशन करने का तरीका देख ही लिया आप लोग की तरह होगा। तो चलिए लिखते रहिए, बोल रहा हूँ मैं। देखिए ओपनिंग स्टार, हाँ भाई, ओपनिंग स्टार 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, परचेज 1,20,000, सेल्स 70,000, 70,000, परचेज रिटर्न 5,000, परचेज रिटर्न 5,000 हो गया, सेल्स रिटर्न 10,000। अब देखिए देखिए, फ्यूल या फिर यूईएल, फ्यूल 250 रुपया हो गया। अब लिखिए इलेक्ट्रिसिटी रेंट 175 रुपया, बतिया ले हाँ वो दीदी रेंट, लगवा फोन हाँ बिल लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख लीजिए, सबसे बढ़िया 175, 175। अब लिखिए प्रीमाइज रेंट, प्रीमाइज PRE, क्या क्या बोला हूँ, हाँ किया। कितना बोला बता दो, हमको याद नहीं रहता, मैं सोच के बोल रहा हूँ ना, एक बार में सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा फिर बना नहीं पाऊंगा। अब लिखिए कितना बोला हूँ लास्ट, ऑप्शन क्या बोला हूँ, हाँ इमेजिन अमाउंट नहीं बोले हैं, एक पच्चीस, 125, बीच में मत बोलिए आप, सुनिए ध्यान से, लिखिए ऑक्ट्रॉय, 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 OCTROI, ऑक्ट्रॉय, लिखिए 150 रुपया हो गया। लिखिए वेजेस, मजदूरी, WAGES, वेजेस 350 रुपया हो गया। अब लिखिए पैकिंग चार्ज 75 रुपया, बस हो गया, पैकिंग चार्ज 75 रुपया। हेलो हाँ अब इस क्वेश्चन को करिए आराम से, आप सर, पैकिंग चार्ज 75 रुपया, 75, अब आराम से इस क्वेश्चन को करिए और दिखाइए फिर मुझे, एक क्वेश्चन जहाँ लिखी हो दिखा दो, अभी फोटो खींचना पड़ेगा मुझे, जो लिख दो फोटो खींचवा प्रॉफिट।
हो गया क्या? बोला क्या लाना? कह रहे हैं कि उसका होता है एक्सपायरी डेट, वो कह रहा है कि एक्सपायरी डेट कह रहा है, कह रहा है लाना, हम बताएंगे उसको बना देंगे तो नहीं लेंगे। फिर कहें हमको बनाने, हमको नहीं बता सकते हैं। उसका सर्वे बोर्ड डाउन चल रहा है, तो आप जाएंगे फार्मूला लेंगे तो थ्रू आंसर का, थ्रू आंसर जाओ जाओ। इसमें डाल देंगे हाँ 15-20 दिन बाद आएगा। हो गया क्या? लाख हुआ के प्रॉफिट हुआ लेस? तो कहें और चीज अजीब बोलते हो। हाँ तो थोड़ा सही से बोलो, मारेंगे तुमको। ऐसे उस दिन कौन सा वर्ड बोला था संजीव? उस दिन कौन सा वर्ड बोल रहा था? कौन सा वर्ड था उस दिन जो बोले थे? छैसठ? नहीं तो क्यों अलग बोल रहे? क्यों अलग लग रहा है तुम्हारा, मतलब फटके थोड़ा। हाँ पता नहीं, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा एक्सपेंस कितना है? कितना अमाउंट? 25। हाँ
बाबू जितना टाइम आप लोग ले रहे हैं ना, जितना टाइम आप लोग ले रहे हैं उतना टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। इतना टाइम लेके काम करेंगे पॉसिबल नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप लोग। चलिए इसलिए मैं बता रहा हूँ तरीका, ध्यान दीजिए अब। नहीं बाबू टाइम क्लास ओवर होगा, मीटिंग का लास्ट मिनट आ गया। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। अच्छा अब ये पार्टिकुलर हो गया अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। बताओ खड़े जाओ, कृष्णा खड़े जाओ, बताओ टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? सामने देख रहे खाते, सामने देखिए टू ओपनिंग स्टॉक, आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्या है क्रेडिट साइड है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? कितना है? 25,000। अमाउंट में क्या लिख देंगे? इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, 25,000। अच्छा उसके बाद क्या दिया है? टू परचेज। क्या होता है? टू परचेज होता है। क्या दिया उसका मतलब? ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करके टू परचेज, जब परचेज का परचेज में लिखेंगे अमाउंट, नहीं लिखेंगे, देखेंगे कहीं रिटर्न तो नहीं हुआ है। तो परचेज कितने का हुआ है? 1,20,000 का, 1,20,000 लिख दिया यहाँ पे। और रिटर्न कितने का? लेस कर दिया, लेस लेस रिटर्न कितने का? 5,000 का। तो 1,20,000 से 5 चला गया, कितना बचेगा? 1,15,000। अमाउंट में हम लिख दीजिए 1,15,000। अभी छोड़ दीजिए, आज एक क्रेडिट साइड में बाई सेल्स का अमाउंट क्या अमाउंट भी लिख देंगे? नहीं लिखेंगे, सेल्स रिटर्न तो नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी हुआ है, सेल्स कितने का है? 60,000 का। और रिटर्न हुआ है, लेस कर देंगे, लेस रिटर्न। सेल्स कितने का हुआ है? 70,000। और रिटर्न कितने का हुआ है? 10,000 का। यानी एक्चुअल में सेल कितने का हुआ है? अमाउंट में और लिखेंगे 60,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 होगा क्लोजिंग स्टॉक, 10,000। इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, सब हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। अब बैलेंस, अब ये टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस सब जोड़िए कितना आ रहा है? 11,25 आएगा, ठीक है। अब बैलेंस सबको जोड़ेंगे तो वैसे ही दिख रहा किधर ज्यादा होगा, तो 15,25 कितना हो गया? 15,25, 1,40,000, 1,41,000, 125, 1,41,000, 125, 125। तुम गड़बड़ा दोगे, तुम बहुत पागल आ दोगे। अब सही है, अब सही है, ठीक है। 1,41,000, 125 रुपया सही है। तो इधर भी इतना ही आना चाहिए, लेकिन इधर कितना आ रहा है? 70,000 है, लेकिन लिखेंगे कितना? 1,41,125। अब 1,41,125 में से 60, 10, 70 घटा दो, कितना बचेगा? 71,000, 25। तो ये क्या हुआ? इधर आता अंतर तो क्या लिखते हैं? बाई ग्रॉस लॉस, लॉस हो गया। यानी कि आपके व्यापार में क्या हो गया? हानि हो गई आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में 71,125 की। समझ में आ गया बात ना? पता है इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पा रहे आप लोग, शर्म आनी चाहिए। अभी इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? फिर भी नहीं हो पा रहा आप लोग का। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू क्लास।